हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं ये जो है माइक्रोवेव सेफ तवा मैंने मंगाया है। मेरे कई व्यूवर्स पूछते हैं कि क्रस्टी प्लेट जो है कौन सी लेनी चाहिए, तो ये देखिए ये माइक्रोवेव तवा है, ये माइक्रोवेव सेफ है। ये मैंने विनोद इंटेलिजेंट कुकवेयर का जो है मंगाया है, इसे ऑनलाइन मंगाया है। और चलिए इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये इसके साथ बुकलेट भी है। ये देखिए काफ़ी अच्छी ये क्रस्टी प्लेट है और लिखा भी हुआ है माइक्रोवेव तवा 25 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इसकी कोटिंग भी बहुत ही स्मूथ है और काफ़ी ये अच्छा है। थोड़ा हैवी वेट का भी है तो मुझे ये काफ़ी पसंद आया है। फ्रेंड्स ये इस ये जो है हार्ड एनोडाइज्ड है और ये लाइफ लॉन्ग पैन है और ये रेजिस्ट है, ये इसमें जंग वगैरह भी नहीं लगता है। और फिनिश इज़ केमिकल स्टेबल और इसमें कोई केमिकल भी का भी कोई डर नहीं है इसमें। इट डज़ नॉट डीकम्पोज, इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस दैट एंड हार्डनेस एल्यूमिनियम, जो कि अंदर से हार्ड एल्यूमिनियम का बना हुआ है ये। एंड इस पे अगर हम कुकिंग करते हैं डज़ नॉट चेंज टेस्ट ऑफ फूड, और इस पे हम कुकिंग जो करते हैं तो हमारे फूड का जो है टेस्ट भी कोई चेंज नहीं होता, जो फूड का टेस्ट होता वही रहता है। और इसकी जो है 2 इयर्स की वारंटी है। तो फ्रेंड्स अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो आप जो है लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वैसे तो जो माइक्रोवेव सेफ तवा होता है वो माइक्रोवेव मोड पर भी चल जाना चाहिए। जो माइक्रोवेव सेफ होता है उसके पीछे एक रबड़ सी लगी होती है, पर इसमें नहीं है, बट ये माइक्रोवेव सेफ लिखा हुआ है। तो जो माइक्रोवेव सेफ तवा होता है वो कॉम्बी मोड पर हम यूज़ कर सकते हैं और कन्वेक्शन मोड पर यूज़ कर सकते हैं। बट मैं इसको माइक्रोवेव मोड पर यूज़ करके देख रही हूँ कि ये माइक्रोवेव पर भी कंपेटेबल है या नहीं। तो चलिए हम इसे रखते हैं, थोड़ा रिस्क तो ले रहे हैं क्योंकि माइक्रोवेव मोड पर जो है मेटल्स की चीज़ यूज नहीं करते हैं, बट इसमें कोटिंग हुई हुई है। तो मैं इसमें इसे माइक्रोवेव मोड सेलेक्ट कर रही हूँ, फुल पावर 900 वॉट, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अभी मैं सिर्फ 10 सेकंड्स के लिए देखती हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होती है इसमें, अभी तो नहीं हुई। टाइमर मैंने फिर से बढ़ा दिया है 10 सेकंड्स, 10 सेकंड्स फिर बढ़ा दिया है, टोटल 30 सेकंड्स हो गए हैं, 30 सेकंड्स और बढ़ा दिया है। खोल के देखते हैं, कोई स्पार्किंग वगैरह नहीं हुई है और ना ही ये गर्म हुआ है, यानी कि इस पे हम माइक्रोवेव मोड पे भी हम इस पे जो है खाना कुक कर सकते हैं। तो थोड़ा सा और चला लेते हैं इसको, आप देख सकते हैं कोई स्पार्किंग वगैरह नहीं हुई है। लेकिन फ्रेंड्स मुझे लगता है जो इसमें स्पार्किंग वगैरह नहीं हुई, जो इस पर कोटिंग हुई है ये उसकी वजह से ही स्पार्किंग नहीं हो रही है। तो आप जब भी इसको यूज़ करें तो ध्यान रखें कि जो फोम वाला जो होता है उसी से इसको स्क्रबर यूज़ करें और इसकी कोटिंग जो है ना हटे, क्योंकि कोटिंग हटने के बाद इसमें एल्यूमिनियम जो है इसकी प्लेट दिख जाएगी तो ये जो है इसमें स्पार्क हो सकता है। बट अभी नहीं हो रहा है क्योंकि अभी ये न्यू है और ये जो कोटिंग इस पर पूरी हुई हुई है। तो फ्रेंड्स थैंक फॉर वॉचिंग, मैं इसे माइक्रोवेव मोड पर भी यूज़ करूँगी जब तक कि इसकी कोटिंग जो है ख़राब नहीं होती है। बाकी अगर कोटिंग ख़राब हो जाती है, इसकी जो ब्लैक कोटिंग है इसके ऊपर ये देखिए ये, तब हम जो है इसको ओनली कन्वेक्शन और कॉम्बी मोड पर यूज़ कर सकते हैं। बट अभी तो हम इसे माइक्रोवेव मोड पर भी यूज करेंगे क्योंकि देखिए कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।